नवरात्रि पर्व के पांचवें दिन यानी सोमवार को उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में संध्या पूजन के बाद भगवान शिव ने श्री होलकर स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिया। भक्तों को दर्शन देने से पूर्व पुजारी घनश्याम शर्मा द्वारा 11 ब्राह्मणों के सहयोग से श्री कोटेश्वर भगवान का पूजन किया गया, जिसके बाद श्री महाकालेश्वर भगवान का अभिषेक एकादशनी रुद्र पाठ से किया गया। पूजन के बाद भगवान को वस्त्र और पगड़ी धारण करवाई गई, फिर मेखला, दुपट्टा, मुकुट, छत्र, नाग कुंडल और मुंड माला धारण कराई गई, जिसके बाद श्री महाकालेश्वर भगवान के श्री होलकर स्वरूप में भगवान ने मां गंगा को भी धारण नान पावन किया। बाबा महाकाल के दरबार में शिव नवरात्रि उत्सव चल रहा है। पूरे भारत में एकमात्र महाकालेश्वर मंदिर ऐसा है जो शिव नवरात्रि के रूप में जाना जाता है और त्यौहार मनाया जाता है। आज शिव नवरात्रि का पांचवा दिन है। होलकर राजा का जो मुगाटा दान में दिया हुआ है उसको होलकर राजा का मुगाटे के रूप में इसको भगवान के ऊपर सजाया गया है। वस्त्र नए पहनाए गए हैं, आभूषण पहनाए गए हैं और ये वर्ष में जितनी भी मूर्तियाँ है भगवान के ऊपर शिव नवरात्रि में ही धारण करवाई जाती है और उसके बाद सावन मास में चल समारोह में जो सोमवार को सवारी के रूप में निकलता है उसमें इनको निकाल के दर्शन के रूप में रथों पे बिठाया जाता है। महत्वता यही है कि यहाँ दरबार के अंदर शिव नवरात्रि में शिव भक्त अगर बाबा के दरबार में आ गया और एकमात्र दर्शन कर लिए तो उसका कैलाश मार्ग का रास्ता अपने आप उसका खुल जाता है और सारे दुनिया के करे हुए पाप वो पुण्य मिल जाता है और पाप अक्षय हो जाता है। महाकाल का दरबार ऐसा है कि तीनों लोक में ऐसा कोई दरबार नहीं है जहाँ का भगवान का स्मरण हो सके। यहाँ बाबा का स्मरण भी होता है, दर्शन भी होता है, वो महाआरती भी होती है। सारा दर्शन मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है। बाबा शिव नवरात्रि में और शिवरात्रि पे यही रूप में दर्शन सबको देते हैं। जय महाकाल। टीम लोक मंगल की रिपोर्ट।